यहाँ तो इंसाफ सड़कों पे हो रहा है और बात लोकतंत्र की हो रही है। अदालत से तो कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का। अदालत मतलब ठेंगा पे। पिछले साल ओबैसी पे गोली चली, अभी चंद्रशेखर रावण पे तो गोली बम आतंकवाद से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और हिंदू महासभा बजरंग दल और बीएचपी इनका जो भी संगठन है इसका तो गहरा रिश्ता है। देखिए इन लोगों की अपन वहां जाके महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं विदेश में और यहां फ्लोर हाउस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की बात करती है। हाउस में भारतीय जनता पार्टी के एमपी और मिनिस्टर्स गोडसे की पूजा करते हैं। जो लाठी से नहीं डरते हैं उन पे गोलियां बरसाई जाती है। ये सब झांसाराम वाले लोग हैं। आसाराम, झांसाराम, फंसाराम, इस तरीके की इनकी मोनोपोली है। आप मुझको बताइए, ये अकल के अंधों को बताइए, ये अकल के अंधे लोग हैं। ये कौन अकल का अंधा? भारतीय जनता पार्टी के नेता। अभी के समय में दलितों की आवाज उठाना, पिछड़ों की आवाज उठाना, मुसलमानों की आवाज उठाना गुनाह है। लोग गोली मार देंगे, यही सब होगा। राम राज वाले उत्तर प्रदेश में दलित नेता पर गोली चल गई है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण पर गोली चली है। उसके बाद से दलित समाज में आक्रोश है और बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी का बिहार में दावा है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उत्तर प्रदेश में बल्डोजर राज है, बाबा का राज है और राम राज है। इसी पर बात करेंगे। कांग्रेस नेता जावेद अली हमारे साथ है। राम राज जहाँ पर है वहाँ पर दलित नेता पर गोली चल गई। राम राज्य की परिभाषा पता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को? बल्डोजर जैसी भी नहीं। ये सब फिर मैंने कहा ना, ये सब झांसाराम वाले लोग हैं। आसाराम, झांसाराम, फंसाराम, इस तरीके की इनकी मोनोपोली है। रही बात चंद्रशेखर रावण जी की, तो मैं उन पे जो जानलेवा हमला हुआ है और उन पे जो गोली चली है उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। ऐसा कायराना काम बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। और रही बात आप चंद्रशेखर रावण जी की कह रहे हैं, तो हम लोग तो कांग्रेस से आते हैं ना। हमारे राष्ट्रपिता कांग्रेस के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी, उनको इन आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ के लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया। राजीव गांधी जी को हमारे नेता सरदार बेअंत सिंह जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उनको बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। और पिछले साल ओबैसी पे गोली चली, अभी चंद्रशेखर रावण पे तो गोली बम आतंकवाद से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और हिंदू महासभा बजरंग दल और बीएचपी इनका जो भी संगठन है इसका तो गहरा रिश्ता है। मैं नेता से क्या दिक्कत है उनको? दिक्कत है उनको दलित नेता से, दिक्कत है उनको मुस्लिम नेता से, दिक्कत है उनको कांग्रेस के नेता से, दिक्कत है। वो तो राजशाही में विश्वास करने वाले लोग हैं ना। राम राज्य तो राजतंत्र में था ना, वो तो लोकतंत्र में था नहीं। अब झांसा जितना दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन लेकिन मानसिकता तो राजतंत्र वाला है और छल है सिर्फ बाहर जाके। अब वहाँ देखिए इन लोगों की अपन वहाँ जाके प्रधानमंत्री जी की, महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं विदेश में और यहाँ फ्लोर हाउस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की बात करती है। हाउस में भारतीय जनता पार्टी के एमपी और मिनिस्टर्स गोडसे की पूजा करते हैं। ये कैसी विचारधारा है, कैसी मानसिकता है? अरे दम है यार, में तो आप लोगों ने जंगल राज जा दिया है, वहां तो राम नहीं, राज स्थापित है। आप गुंडा अपराधी सब भाग रहे हैं। आप मुझको बताइए, ये अकल के अंधों को बताइए, ये अकल के अंधे लोग हैं। ये कौन अकल का अंधा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता, कार्यकर्ता, ये सब अकल के अंधे लोग हैं। ये लोग लगता है कि ये लोग शीशे का चश्मा नहीं पहनते हैं, ये लोग लोहे का चश्मा पहनते हैं जिसमें दोनों तरफ काला है, कुछ भी दिखता नहीं है।
आप मुझको बताइए, नहीं आप राष्ट्रवाद, आप मुझको बताइए बिहार में कहीं भी किसी भी पूर्व विधायक या विधायक का कस्टोडियल डेथ हुआ है, कस्टडी में उनके ऊपर गोली चली है, किसी की हत्या हुई है? उत्तर प्रदेश में तो एक पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक दोनों भाइयों की निशर्त हत्या पुलिस प्रोटेक्शन में कर दी गई। तो अतीक अहमद की बात कर रहे हैं? जी हाँ, अतीक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अशरफ की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे अनगिनत लोगों की बात कर रहा हूँ। एक और था कोई बजरंगी करके या कोई था जिसको फिर कस्टडी में ही मार दिया गया। तो यहाँ तो इंसाफ सड़कों पे हो रहा है और बात लोकतंत्र की हो रही है। अदालत से तो कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का। अदालत मतलब ठेंगा पे, अदालत दिया नहीं राहुल गांधी को, सर तो सुना दिया, अदालत तो काम कर रही है। अरे भैया, तो वही तो बात है। अब जैसे 9 साल बेमिसाल और इमरजेंसी, तो इमरजेंसी जिस तरह आपने देखा, राहुल गांधी जी के साथ जो भी हुआ है सूरत से लेकर के और गुजरात हाई कोर्ट में, वो सबूत है उस बात का कि जिस तरीके से इन भाजपा और आरएसएस के लोगों ने षड्यंत्र करके राहुल जी की सदस्यता छीनी है, ठीक उसी तरीके से 12 जून 1975 को सुनियोजित तरीके से आरएसएस और जनसंघ के नेताओं के और ये जो कॉकटेल बना जिनका हुआ था प्रमोशन जज साहब का, जो मजिस्ट्रेट थे, ऐसे ही षड्यंत्र रच के कॉन्स्पिरेसी के जरिए 111,000 मतों से चुनाव जीती हुई इंदिरा गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, जिसके कारण संवैधानिक रूप से आर्टिकल 352 का यूज़ करके और संवैधानिक इमरजेंसी लगाई गई, ताकि भाजपा तो थी नहीं, पैदा भी नहीं हुई थी, जनसंघ और जनता पार्टी और ऐसे जो भी संगठन थे वो लोग सरकारी संपत्तियों का बड़े पैमाने पे नुकसान करने लगे, बसों को आग लगाने लगे, रेलवे ट्रैक उड़ाने लगे। जाएंगे पीछे तो बहुत कहानी है, अभी बताइए कि क्या अभी के समय में दलितों की आवाज़ उठाना, पिछड़ों की आवाज़ उठाना, मुसलमानों की आवाज़ उठाना गुनाह है, लोग गोली मार देंगे, यही सब होगा? भाजपा, आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की नज़र में तो गुनाह है। मैं आपके कैमरे पे इस चीज़ को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं, चाहे वो दलित हों, अल्पसंख्यक हों, ओबीसी हों, ईबीसी हों, इन लोगों में जो टूट है और थोड़े बहुत लोभ लालच में इधर उधर जाने की जो प्रवृत्ति है, इसी के कारण इतनी बड़ी आबादी पे, यानी लगभग 80% लोगों पे लगातार हमला किया जा रहा है, लगातार उनका चीरहरण हो रहा है, जो बात से नहीं मानते हैं उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, जो लाठी से नहीं डरते हैं उन पे गोलियां बरसाई जाती है। यही तो राज करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। चलिए, छुपी ही बात है। तो दलितों, पिछड़ों की आवाज़ जो लोग उठाएंगे बीजेपी आरएसएस की नज़र में वो गुनाहगार है, उन पर गोली चल जाएगी, खुलेआम सड़क पर फैसला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब जज और वकील और कोर्ट की जरूरत नहीं है, जो भी फैसला और जो भी गुनाहों की सज़ा मिलनी है सड़क पर मिल जाएगी। अतीक अहमद को मिला, और एक कई मामले ऐसे हैं जो लगातार घटे हैं पिछले कुछ दिनों में, और अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर कल गोली चली है, जख्मी हो गए थे, इलाज के बाद ठीक हुए हैं, लेकिन आक्रोश जो है उनके समर्थकों में भी है। हमने कांग्रेस के नेता से इनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो इनका आप लोगों ने बयान सुना, इनका वक्तव्य क्या था, इन्होंने अपने भी इतिहास को दोहराया, जिस तरीके से इनको नेताओं पर आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने हमला किया, गांधी जी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उन पर भी इसी जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो तमाम बातचीत आपको कैसे लगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक वीडियो देखते हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।